हरियाणा में नशा तस्करों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कब्जाई जमीन पर प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। निर्माण को धराशायी कर बदमाशों की कमर तोड़ी जा रही है। सोनीपत में गैंगस्टर रामकरण के अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाकर उसे धराशायी कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद बदमाश और नशा तस्करों पर प्रशासन लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बुधवार को सोनीपत के गांव बेयापुर में गैंगस्टर रामकरण द्वारा गांव में बनाई गई 3 दुकानों और उसकी प्रॉपर्टी को पीला पंजा चलाकर धराशायी कर दिया गया। मौके पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल और जिला योजनाकार विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में अवैध बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। आज बैयापुर में काम कार्रवाई की जा रही है, कई आदमियों की है जो जिनको हमने नोटिस दिया था, नरेश कुमार, राजेश कुमार, कृष्ण, श्रीमती कलावती, इस प्रकार से 10-11 आदमी है जो कि साजी केवट में थे, उनको सभी को नोटिस दिया हमने और इन नोटिस का हमारे पास कोई लिखित में जवाब भी नहीं आया और ना ही हियरिंग के दौरान कोई हमारे पास पेश हुआ है। कितनी दुकानें हैं जो कि कंट्रोलर एक्ट में के तहत आती है और इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, क्योंकि सरकार से बनाने से पहले कोई परमिशन ली जानी होती है, वो परमिशन ली नहीं है, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी है। सर, ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जैसे जैसे हम महीने में लगभग 6 या 7 प्रोग्राम मनाते हैं और प्रशासन बड़ी सख्ती से ले रहा है और अनऑथराइज कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा।